नमस्कार। दीपावली पर लोग धन, सुख, समृद्धि, वैभव की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। इस भागम भाग में लोग ये बात भूल ही जाते हैं कि हमें दीपावली पर कुछ मूल बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और वो है वास्तु शास्त्र के नियम। दीपावली पर घर में धन धान्य की वर्षा कराने के लिए वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं इस दीपावली पर वास्तु के कौन कौन से टिप्स हैं, जिन्हें आजमा कर आप अपने घर में स्थायी लक्ष्मी का वास करा सकते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जिसका उल्लेख शास्त्रों में भी है, कि माँ लक्ष्मी का वास साफ स्वच्छ स्थान पर ही होता है। जहाँ गंदगी होती है, वहाँ लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता। इसलिए दीपावली पर अपने घरों की साफ सफाई और रंग रोगन करना बहुत जरूरी है। दीपावली को रोशनी का त्योहार कहते हैं। रोशनी के बिना यह त्योहार अधूरा है। इसलिए दीपावली पर हर जगह रंग बिरंगी लाइटिंग करनी चाहिए और चारों तरफ दिए जलाने चाहिए। शास्त्रों में भी उल्लेख है कि दीपावली पर रोशनी से देवी लक्ष्मी आकर्षित होती है। इसलिए अपने घर, दफ्तर या कार्यस्थल को खूबसूरत और आकर्षक लाइटिंग से जरूर सजाएं। घर के मुख्य द्वार पर सुंदर रंग बिरंगी डेकोरेटिव बंधनवार या तोरण जरूर लगाएं। प्राकृतिक चीजों से बनी बंधनवार आज भी शुभ और पवित्र मानी जाती है। आजकल बाजारों में जूट, प्लास्टिक आदि से बनी बंधनवार भी आती है। इन्हें भी सजावट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर देवी लक्ष्मी से जुड़े शुभ प्रतीक चिन्ह, जैसे माता लक्ष्मी के पद चिन्ह, स्वास्तिक, शुभ लाभ आदि जरूर बनाएं। आजकल बाजार में अलग अलग तरह के आकर्षक स्टिकर भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने मुख्य दरवाजे पर चिपका सकते हैं। इनसे माता लक्ष्मी का आगमन सहज होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपावली पर सोने चांदी के बर्तन व सिक्के खरीदना शुभ होता है। घर के मुख्य द्वार पर खूबसूरत रंगोली बनाएं, इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर के ईशान कोण में एक चांदी, तांबा या स्टील के कटोरे में पानी भरकर रखें। इसमें चांदी का एक सिक्का डालें, जिस पर गणेश लक्ष्मी के चित्र अंकित हो। इस कटोरे को ऐसी जगह रखें जहां सूर्य की रोशनी नहीं आती हो। अब किसी दर्पण या क्रिस्टल को इस तरीके से रखें कि सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब इनकी सहायता से इस कटोरे पर पड़े। इससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होगा। दीपावली पर दिए लगाते समय उनकी संख्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दिए हमेशा चार के गुणक में ही लगाएं, यानी 4, 8, 12, 16, 20। इस प्रकार दिए लगाने से वास्तु के नियमों की पूर्ति होती है। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको जरूर पसंद आई होंगी। आध्यात्म से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।